आपको बता दें कि बाड़मेर की डेल्टा की हत्या के आरोपियों और साजिश करने वालों की कोर्ट में पेशी हुई है। शिक्षण प्रशिक्षण कॉलेज में पढ़ने वाली छात्रा की मौत से इलाके के लोग गुस्से में हैं। कुछ दिनों पहले छात्रा का शव छात्रावास में संदिग्ध अवस्था में मिला था। वो घर से निकली थी आंखों में सपना लेकर। उसकी ख्वाहिश थी टीचर बनने की। अपने पांव पर खड़े होने के लिए वो बाड़मेर से बीकानेर आई थी। उसने नोखा के एक शिक्षक प्रशिक्षण कॉलेज में दाखिला लिया था, लेकिन उसके अरमानों को किसी की नजर लग गई और एक दिन कॉलेज के छात्रावास में उसका शव मिला। बिना तफ्तीश किए आत्महत्या का मामला घोषित कर दिया गया, लेकिन जब दलित संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया तो पुलिस भी हरकत में आ गई और जांच शुरू हुई। पता चला कि डेल्टा के साथ बलात्कार हुआ है, उसकी हत्या की गई है, क्योंकि अगर टंकी में कूदकर डेल्टा आत्महत्या करती तो उसके फेफड़ों में पानी भरता। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि डेल्टा के फेफड़ों में पानी नहीं था, यानी मामला संदिग्ध था। यानी मरने के बाद डेल्टा को पानी की टंकी में फेंका गया। हॉस्टल वार्डन प्रिया शुक्ला पर साजिश रचने और पीटी टीचर विजेंद्र सिंह पर बलात्कार का आरोप लगा है। डेल्टा की हत्या किसने की है उसकी जांच अभी जारी है। रात्रि को फोन आया कि पापा मेरे को ज़्यादा परेशानी हो रही है, मुझे मारने का खतरा है, आप जल्दी आओ। लेकिन हमारे यहाँ से साधनों की कमी होने से मैं पहुँचने में असमर्थ था और मैं थोड़ा लेट पहुँचना चाहता था कि रात्रि को मैं वापस लाऊँ। किराए भाड़े की कमी थी, टीचर जरूर हूँ लेकिन मेरी आर्थिक स्थिति कमजोर है। इस मामले में पुलिस ने कॉलेज के पीटीआई विजेंद्र सिंह और वार्डन प्रिया शुक्ला को गिरफ्तार कर लिया है, जिनको कोर्ट में पेश किया गया। उस बच्ची को वहाँ के विजेंद्र सिंह और वहाँ की वार्डन, इन लोगों ने षड्यंत्र पूर्वक उसके साथ में रेप करके फिर उसको जब वो पॉजिटिव नहीं दिखी उन लोगों को तो उन लोगों ने उसको उसकी हत्या करके हत्या करने के बाद में सबूतों से छेड़छाड़ करते हुए उसे पानी में डूब करके आत्महत्या का रूप देने के लिए। बेटी की मौत से परिजन गहरे सदमे में हैं। होनहार बेटी दुनिया से इस तरह रुखसत होगी उन्होंने ख्वाब में भी नहीं सोचा था। वो बेटी जिसकी चर्चा पूरे प्रदेश में है, जिसकी पेंटिंग सचिवालय की आर्ट गैलरी में टंगे, उसके साथ जमाना ऐसा सलूक करेगा, ये जख्म नासूर बनकर चुभ रहा है। बीकानेर से रौनक व्यास के साथ भूपेश आचार्य, जी मीडिया, बाड़मेर।